गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज की वीडियो है ये डीआईवाई हॉल है पर मेरा क्रिएट किया हुआ, मैंने किसी लाइक साइड से कोई स्टफ बाय नहीं किया है, जो चीज है मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माय एवरी वीडियो, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड या गाइस लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट आइटम है वो है दिस वन। आपने इस टाइप के जो वेस्ट है वो पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा देखी होगी, मतलब मैं जैसे ही पिंटरेस्ट खोलती हूँ ना और जैसे ही फॉल आउटफिट आते हैं तो ये वेस्ट तो नंबर वन की लिस्ट पे होते हैं। तो ये वेस्ट मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। ये एक स्वेटर था जो कि आप कह सकते हो बहुत ओल्ड स्वेटर था, मुझे पसंद था उस टाइम पे, अब नहीं पसंद था मुझे, बस उसका ये जो प्रिंट है जस्ट यही पसंद था। फोटो है रेफरेंस के लिए दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप का दिखता था ये स्वेटर। और अब ये टोटली न्यू एंड सीरियसली मुझे इतना पसंद है ना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको किसके साथ स्टाइल करूं। जिसके साथ भी स्टाइल करती हूँ मुझे लगता है नहीं ये सूट नहीं कर रहा, ये सूट नहीं कर रहा। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जस्ट मैंने उसकी स्लीव्स हटा दी है और वो जो यहाँ पे जिपर था वो हटा दिया। स्वीट एंड वेरी क्यूट, आई लव इट। आप बोलोगे कि मुझे दिखाना भी चाहिए था, तो बेसिकली जब मैंने ये सब डीआईवाई किया मैंने सोचा नहीं था मैं लाइक ऐसा कुछ वीडियो बनाऊं, तो आगे से अगर मैं कुछ करती हूँ तो पक्का वीडियो बनाऊंगी। एंड सेकंड जो है वो भी मेरा फेवरेट है, वो है दिस स्वेटर। और ये जो स्वेटर था ना ये बहुत बड़ा था और ये काफी ओल्ड है, पर मुझे इसका जो ये ऊपर के जो ये मल्टी कलर से ये लाइक बहुत ज्यादा पसंद थे। पर मैं सीरियसली जब इसको बाहर नहीं पहन सकती थी क्योंकि इतना बड़ा सा वियर्ड लगता था, तो मैंने क्या किया मैंने इसको कैची चला दी और ये क्रॉप हो गया। और क्रॉप बनने के बाद ही मुझे बहुत ओल्ड स्कूल वाइब दे रहा है। वैसे भी यार क्रॉप स्वेटर कहीं पे भी नहीं मिलते, मतलब कितना भी ढूंढ लो कहीं पे नहीं मिलते। एंड आई रियली लव इट, ये बहुत क्यूट है। इतना पुराना है क्योंकि सी ये इसका जो भी टैग है ये हट रहा है, तो मैं इसको काट दूंगी। एंड आई रियली लव इट। यस, तो आपके पास अगर कोई ओल्ड स्वेटर है और आपको नहीं लग रहा कि हाँ आप उसको वैसे पहन सकते हो, क्रॉप कर लो। आइटम है गाइस वो दूसरे वाले का ही है, तो उसके जो नीचे का पार्ट था उसको मैंने टर्न आउट किया इस टॉप में। ये टॉप इज लाइक ये बहुत प्यारा लगता है, अगर आप इसको अंदर से पहन रहे हो और इसके ऊपर कुछ और पहन रहे हो तो ये बहुत क्यूट लगता है। इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है लेकिन मैं इसको सीरियसली इसे सिंगल पहनने के लिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने इसको बनाया कि लाइक कोई मैं स्वेटर के लिए कोई जैकेट या फिर कुछ श्राग इसके ऊपर डालू तो ये बहुत क्यूट लगेगा। आई मीन यू कैन सी इट्स वेरी क्यूट। मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, उसके साथ साथ मैंने दो आइटम बना लिए, एक स्वेटर से दो आइटम। मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ ना कुछ हिट कर जाते हैं और मैं कभी कभी अच्छा चल जाता है, कभी कभी खराब चला जाता है। मैं बोलने वाली हूँ लिटरली मेरे नाक में इतना हो रहा है ना, मेरे मुंह से वर्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आजकल हम करते नहीं है अपना ये जो स्वेटर होता है इसको ऐसे निकाल लेते हैं तो वो इफेक्ट आ जाता है वो क्रॉस वाला, तो इसमें भी मैंने वही किया, इसको बीच से ऐसे निकाला और फिर हाथ से सी लिया। एंड यू कैन सी इट्स वेरी क्यूट। मैंने इसका भी कोई डेमो नहीं रखा, पर आगे अगर मैंने कभी कुछ डीआईवाई किया पक्का डेमो करने वाली हूँ। सिंपल एंड क्यूट, कोई पैसे नहीं लगे और आपने एकदम नए डिजाइन में नया एक स्वेटर से दो डिजाइन क्रिएट कर लिए, है ना पैसा वसूल। जो मेरा लास्ट डीआईवाई आइटम है, प्रोजेक्ट है, वो है दिस वन। ये है क्यूब टॉप, आई मीन इट्स वेरी क्यूट, मुझे ये कलर इतना पसंद है ना, रफली है ओके। इसमें ये कॉफी बीन्स बने हुए हैं एंड ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो मैंने इसको ट्यूब टॉप बनाया। वैसे ये मुझे आता नहीं था टॉप, तो मैंने क्या किया इसका अपर हाफ कट कर दिया और ये अब मुझे एज अ ट्यूब टॉप हो गया। और यहाँ पे इसमें ये इलास्टिक लगी हुई है जिससे कि ये ऑलरेडी बहुत डिफरेंट इफेक्ट दे रहा है। अभी मेरे पास कोई और पिक्चर नहीं है वरना दिखा देती है कैसा दिखता था। बहुत अगली नहीं कहूंगी, थोड़ा अलग सा स्वेटर नहीं था, ये मेरा टॉप था। एंड इट्स लुक वेरी क्यूट, मुझे ये भी बहुत क्यूट लगा। सो आप लोग भी अपना दिमाग यूज करो और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। अपने कुछ पुराने जो ओल्ड स्वेटर हैं उनमें भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जिनको आप बिल्कुल नहीं पहनते। मैं इन आइटम्स को सीरियसली गाइस बिल्कुल नहीं पहनती थी, इसलिए मैंने इनको यूज किया कि अगर कुछ खराब भी होता है एटलीस्ट मुझे दुख नहीं होगा कि मैंने अपना कुछ नया स्वेटर खराब कर दिया। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, होप यू गाइस लाइक इट। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरी नाक एकदम बंद है, मेरे मुंह से वर्ड्स आ रहे हैं और मेरी लाइक टंग स्लिप हो जा रही है। So sorry for that and yeah that's it for this video, hope you guys like it। अगर आपको पसंद आया है, कुछ आइडिया मिले हैं जिससे आप भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो प्लीज लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि अगर आपके पास भी कुछ पुराने स्वेटर पड़े हैं और आप भी कुछ सोच रहे थे कि और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज कमेंट इट डाउन बिलो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।